हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है नीता गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद नीता में। आज मैं आपके साथ ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ब्रेड रोल दिखने में जितने बढ़िया दिखते हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये बनने में भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। देखिए मेरे ब्रेड रोल कितने क्रिस्पी हैं, ये कितने क्रिस्पी है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। देखिए तो ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए देखते हैं। ब्रेड रोल के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उबले हुए आलू, जिनको मैंने उबालकर छिलका उतार के रखे हुए हैं। ये ब्रेड स्लाइसेस है, ये मैंने व्हाइट ब्रेड लिए हैं, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। ये मटर, आप चाहे तो फ्रोजन या फ्रेश कोई से भी मटर ले सकते हैं। मैंने ये फ्रेश मटर लिया है और इनको थोड़ा सा बॉयल कर लिया है। मसालों में हमें चाहिए हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है, आप अगर लहसुन नहीं खाते तो इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ अदरक ले लीजिए। एक हरी मिर्ची बारीक बारीक कटी हुई, शिमला मिर्ची बारीक बारीक कटी हुई, प्याज बारीक बारीक कटे हुए, नमक स्वाद के अनुसार और धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए। अब हमको क्या करना है, सभी आलूओं को मेशर बाउल में मेश करना है। थोड़ा थोड़ा मैंने इनको ऐसे दबा दिया है। अब हमारे पास ये मेशर है, इससे हम अच्छी तरह से इसको मेश कर सकते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है और हम अब इसको गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने पर हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरे के भुनने के बाद इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरक का यूज करिए बस। हमारे बारीक कटे प्याज हम इसमें डालेंगे, और इसको गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज हल्के गुलाबी हो गए हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, शिमला मिर्च को हम क्रिस्पी क्रिस्पी रखेंगे, शिमला मिर्च का क्रिस्पी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप शिमला मिर्च खाते हैं तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो इसके बिना भी आप इसको बना सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा। इसकी फिलिंग लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसको 2 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। अब इसी स्टेज पे हम नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे, हमको आलू और मटर भी डालना है इसके बाद, तो हम नमक पूरी सब्जी के हिसाब से डाल रहे हैं, फिलिंग के हिसाब से डाल रहे हैं। अब हम इसमें अपने मेश किए हुए आलू डाल देंगे। और इसी टाइम पे मटर भी डाल देंगे, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस टाइम पे फ्रेंड्स, पहले मैं बताना भूल गई थी, मैंने ये थोड़ा सा चाट मसाला भी यूज़ किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसको इस जगह पे।
चाट मसाले से खट्टा फ्लेवर आ जाता है। देखिए पूरी तरह से मिक्स हो गई है, बस अब एंड में हमको धनिया से इसकी गार्निशिंग करनी है। धनिया पत्ती डाल देंगे हम इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। धनिया की फ्रेश धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। हमको इसकी फिलिंग ठंडे करने के बाद करनी है, ना कि इसको गरम गरम डालना है उसमें। तो आप इसको अब गैस का बादल बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जितनी देर में हमारी फिलिंग ठंडी होती है उतनी देर में हम ये ब्रेड स्लाइसेस को काट कर रेडी कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो ब्रेड हमने ली है इस टाइप की एक प्लेट ले लीजिए जिसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए तो इस ब्रेड को, ताकि अच्छी तरह से इसमें डिप हो जाए। हमने इसको डिप कर ली है और इसको अच्छी तरह से हमको दबाकर इसका पूरा पानी निकालना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, हमको इसका पूरा पानी निकालना है। ये गीली है ब्रेड, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये जो फिलिंग हमने बनाई थी ये हम इसके अंदर भरेंगे, इसको इस तरह से दबाकर रोल कर लेंगे। आप इसको अच्छी तरह से दबाकर इस टाइप से रोल बना लीजिए। इसी प्रकार से हम सारी ब्रेड्स का रोल बनाएंगे। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हमने हमारे रोल्स को रेस्ट देने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के बाद जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इनको हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। इनको सावधानी से आप उल्टा पुल्टा करके हिला लीजिए। गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो रखिएगा, एकदम स्लो, ताकि ये एकदम अंदर से भी बढ़िया एक क्रिस्पी हो जाए। और अंदर से तो हमारा मसाला सिका हुआ है लेकिन ये ऊपर से अच्छे क्रिस्पी हो जाए, एकदम से कुरकुरे से। अब इनको हिलाते हुए आप तलिए। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं कलर में। मैंने इनको लगातार पलटते हुए चलाया है ताकि ये एक ही तरफ से ना सिके बल्कि सभी तरफ से ब्राउन हो जाएं। हमको इनको ब्राउन करना है। ब्रेड रोल से बहुत बढ़िया नाश्ता है, हल्का फुल्का, बच्चों को बहुत पसंद आता है शाम की चाय के साथ, या दिन में आप कभी भी इसको बना सकते हैं सुबह सुबह के नाश्ते में। बस आप इतना ध्यान रखिएगा चारों तरफ से बढ़िया तरीके से सिक जाए। फ्लेम हाई टू मीडियम रखिएगा, बहुत हाई भी नहीं और एकदम लो भी नहीं। अब हम इनको निकाल लेते हैं, ये पूरी तरह से रेडी है। आप चाहें तो इस तरह के रोल बना के फ्रिज में, मतलब बिना तले फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद जब भी आपके में गेस्ट आए आप इनको सर्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये ब्रेड रोल रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। देखिए है ना बढ़िया, इसके अंदर की फिलिंग कितनी बढ़िया दिख रही है। तो आप इन्हें बनाइए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब की बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।